बीजेपी के साबिका चीफ मिनिस्टर आज बीआरएस भारत राष्ट्र समिति में शुमालियत अख्तियार कर ली। रियासत ओडिशा के साबिका चीफ मिनिस्टर व बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिधर ने आज बीआरएस पार्टी में शुमालियत अख्तियार कर ली। वो चीफ मिनिस्टर व बीआरएस के सरबरा चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में भारत राष्ट्र समिति यानि बीआरएस में शामिल हो गए। इनके साथ उड़ीसा के साबिका एमपी जयराम पांगी, गिरिधर के बेटे शेर और बड़ी तादाद में लीडर्स ने बीआरएस भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। बीआरएस पार्टी के लीडर और सीएम केसीआर की तरफ से मुल्क में मियारी तब्दीली के लिए चलाई जा रही तहरीक में इनके साथ काम करने के लिए मुख्तलिफ जमातों के कायदीन, मुख्तलिफ शोबों के माहरीन और दानिश्वरों कई रियासतों से आगे आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एच न्यूज। इंसानी हक जो होते हैं, जो ह्यूमन राइट होते हैं, ये भीख मांग के लेना नहीं चाहिए, ये तो छीन के लेना चाहिए। इसलिए कि हम इंसान हैं, जब हम इंसान बन बैठे तो इंसानी हक हमको मिलना चाहिए, इसको छीन लेना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए। यही काम कर सकता है, कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ मुश्किल झेलने पड़े, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, आगे चल के विजय जरूर मिलेगा। एक ईमानदार सोच से पूर्ण देश का परिवर्तन चाहते हुए मैं एक दो बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बिजली की कमी नहीं है देश में, स्थापित बिजली, स्थापित विद्युत शक्ति देश में 4 लाख मेगावाट से भी ज्यादा है। देश ने आज तक कभी 2 लाख 10 हजार मेगावाट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उड़ीसा में ही कहीं है बिजली घर बने बने, कितना सुंदर कोयला मिलता है अपने तालचेर में, डेंकनाल में कितना जबरदस्त कोयला मिलता है। इतना ज्यादा कोयला खदान रखते हुए ओडिशा में बिजली की किल्लत क्यों भैया, समझ में नहीं आता। इसके लिए हमको अमेरिका से भीख मांगनी है, किसी के सामने हाथ पसारने हैं, पर इसके लिए भी हमें क्यों भीख मांगना पड़ता है, इसमें भी क्यों शॉर्टेज होता है। जो संपत्ति, यही कह रहा था, संपत्ति हमारे पास है, हमारे तालचेर में, हमारे डेंकनाल में कितना जबरदस्त वर्ल्ड क्लास कोयला है, तो क्या हो रहा है उस कोयला का। आज जो नीति चल रही है देश में, जो जहां नुकसान आता है ठोक दो जनता पे, सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स, आज जो हो रहा है देश में, मैं आपसे ही कह रहा हूं, सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जहां नुकसान हो रहा है बता दो, नुकसान हो रहा, गैस बढ़ाओ, तेल बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, जनता का जेब काटो। जहां नुकसान होता है जनता के लिए, जनता के सर पे जाएगा नुकसान। जहां फायदेमंद चीजें, देव अदानी को देव, अंबानी को देव। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, यही तो चल रहा है। इस विश्व वाले से, इन षड्यंत्रियों से देश को बचाना है, देश को निकालना है, काफी समय हो चुका है। इसी के लिए शुरू हुआ है भारत राष्ट्र समिति, यह अभी चल पड़ा है। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, अब इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत हिम्मत बढ़ी है, 1000 हाथियों का हिम्मत आज मुझे आया है। इतने ज्यादा लोग, इतनी दूर से, उड़ीसा से इतना कष्ट उठा के आपने हैदराबाद आए, यह हमारे भाग्य है कि आप इतने लोग बीआरएस दफ्तर में कदम रखे हैदराबाद में। यह अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, जरूर हमको विजय प्राप्त होगा, देश परिवर्तित होगा। आज जो जनता वंचित है अपने संपत्ति से, देश की संपत्ति से, पूर्ण संपत्ति से जनता मिलेगा, किसानों को अपना हक मिलेगा, हर चीज को, हर सेक्शन को हम साथ लेके एक महान भारत, सुहान भारत का निर्माण करने के लिए निकल पड़े हैं। इस सपना को साकार करने में, इस युद्ध में शामिल होने के लिए जितने सारे भाई बहनें आए हैं, मैं फिर एक बार दिल से आप लोगों का स्वागत करते हुए, जय भारत।
एएचए न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।